चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी की जो पहली न्यूज़ आई थी वो थी पुथांडू से रिलेटेड। ठीक है, पुथांडू जो त्यौहार है वो मनाया जाता है तमिलनाडु में, तमिल्स लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा श्रीलंका, मॉरिशस, रीयूनियन, मलेशिया, सिंगापुर, देखा जाए तो लगभग लगभग 6 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। नए वर्ष के आगमन पर ये त्यौहार मनाते हैं तमिल्स लोग। पुथुंडू आल्सो नोन एज पुथु वरुदम तमिल न्यू ईयर माना जाता है। इज़ द फर्स्ट डे ऑफ ईयर, साल का पहला दिन, कब? 14 अप्रैल, ऑन द तमिल कैलेंडर एंड ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड एज फेस्टिवल। और ट्रेडिशनली रूप से इसको फेस्टिवल के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। द फेस्टिवल डेट इज सेट विद द सोलर साइकिल ऑफ द ल्यूनी सोलर हिंदू कैलेंडर। तो इसको सेट कर दिया गया है, ल्यूनी सोलर कैलेंडर है इस प्रकार कैलेंडर का नाम है, एज द फर्स्ट डे ऑफ द तमिल मंथ चिथिराई। तमिलनाडु के नए साल, तमिल लोगों के नए साल का पहला महीना होता है और पहली ही तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं पुथुंडू, 14 अप्रैल 2022, कल की डेट है ये, थर्सडे। सेलिब्रेशन में क्या होता है, फीस्टिंग होती है, गिफ्ट गिविंग, विजिटिंग होम्स एंड टेम्पल। सिग्निफिकेंस तमिल न्यू ईयर है, ऑब्जर्व बाई ये सब देश हम देख चुके हैं। न्यूज़ के लिए हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल लोगों को पुथांडू के पावन अवसर पर बधाई दी है। इन्होंने ट्वीट किया है, सभी को और विशेषकर मेरे तमिल बहनों और भाइयों को पुथांडू की बधाई। मेरी कामना है कि आगामी वर्ष सफलता और खुशियां लेकर आए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इन्होंने नए साल के लिए सबको बधाई दी है। कल की ही डेट की यदि हम बात करें तो पना संक्रांति 2022, इसके अलावा बिसुबा त्यौहार, दो त्यौहार की डेट यहाँ पर सामने आई है 14 अप्रैल की। तो 14 अप्रैल 2022 को पना संक्रांति, आज उड़ीसा में हंसी खुशी के साथ पना संक्रांति मनाया जाता है। यहाँ पर पारंपरिक तरीके से उड़िया नववर्ष को सेलिब्रेट किया जाता है। बिहार और झारखंड की बात करें तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बिसुबा त्यौहार मनाते हैं। इस दिन स्नान ध्यान के बाद दान पुण्य का महत्व बताया गया है। पना संक्रांति 2022 की बात करें तो बिहार झारखंड में बिसुबा त्यौहार मनाया जाता है, जबकि उड़ीसा में हिंदू धर्म के लोग पना संक्रांति मनाते हैं। इस त्यौहार को महाविसुबा संक्रांति, महासंक्रांति और मेष संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे उड़ीसा में हिंदू और बौद्ध के बीच पारंपरिक तरीके से नए साल के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर भी लूनी सोलर कैलेंडर का जिक्र किया जाता है। तो लूनी सोलर कैलेंडर के अनुसार इस पर्व की तिथि और सौर चक्र के बनने के साथ निर्धारित होती है। उड़ीसा में महाविसुबा संक्रांति को पारंपरिक ओडिया कैलेंडर में नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और महाविसुबा संक्रांति के दिन उड़ीसा में सार्वजनिक छुट्टी रहती है। ओडिया महीने के पहले दिन ये त्यौहार मनाते हैं, हर साल 14 अप्रैल को ये पड़ता है। महाविसुबा संक्रांति को महाविसु संक्रांति के रूप से भी हम जानते हैं। महाविसुबा संक्रांति उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल सौर नववर्ष माना जाता, पारंपरिक महाविसुबा संक्रांति ऐतिहासिक रूप से सूर्य के मेष राशि में जाने से वर्ष के परिवर्तन को बताती है। और यहाँ पर बताया जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर होती है। तो आज के दिन मतलब 14 अप्रैल के दिन शिव और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए लोग मेला, स्ट्रीट डांस, कलाबाजी देखते हैं। इससे पहले श्रद्धालु नदियों या फिर प्रमुख तीर्थ केंद्रों में जाते हैं और नहाते हैं। कुछ जगहों पर 14 अप्रैल को फायरवॉक भी होता है, जहां पर गीत संगीत के साथ जयकारा लगाते हुए जलते कोयले अंगारे पर नंगे पांव लोग दौड़ते हैं। ठीक है, इस त्यौहार के दिन
आम, दूध, दही, नारियल से बनने वाला पाना नामक एक मीठा पेय पिया जाता है, ठीक है। और बताया जा रहा है इस त्यौहार को पना संक्रांति भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पना पिया जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ बैसाखी से रिलेटेड है। ज़्यादातर आज जो PIB की न्यूज़ आई है वो त्यौहारों से ही रिलेटेड आई है। द बैसाखी फेस्टिवल इज़ बींग सेलिब्रेटेड विद ट्रेडिशनल इंथ्यूज़म इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे देश का जो उत्तरी वाले राज्य हैं वो उत्साह के साथ में बैसाखी त्यौहार को मनाते हैं। इसके नाम को लेकर के देखें तो बैसाखी इज़ आल्सो नोन एज वैसाखी और वसाखी। डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कब कब इसको मनाया जाता है? इसको नॉर्मली हम सेलिब्रेट करते हैं 13 या फिर 14 अप्रैल को हर साल। रीजन ऑफ सेलिब्रेशन की बात करें तो बैसाखी को हम सेलिब्रेट करते हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ऑब्जेक्टिव की बात करें, बैसाखी इज़ ए स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल फॉर द सिख। सिख समुदाय लोग अपनी फसल की कटाई जब होती है तो उसी की खुशी में इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। बैसाखी आल्सो कॉमरेड्स द फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ बाय गुरु गोविंद सिंह इन 1699। बैसाखी का त्यौहार बताता है फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में इसकी स्थापना की गई थी। सेलिब्रेशन की बात करें तो पीपल आर टेकिंग ए डिप एट द होली सरोवर्स। इस दिन स्नान किया जाता है पवित्र जगहों पर, कैनाल, रिवर, बिफोर ज्वाइनिंग द मेला सेलिब्रेशन। मेला में जाने के पहले नहाया जाता है। ट्रेडिशनल फोक डांसेस आर परफॉर्म ऑन द दिस डे। अब उनके जो पुराने जो ट्रेडिशनल डांस चले आ रहे हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, उनका यहाँ पर अभिनय किया जाता है। आवद पूनी के बारे में बताया जा रहा है, दिस इज ट्रेडिशन एसोसिएटेड विद द हार्वेस्टिंग विच इन्वॉल्व पीपुल गेटिंग टुगेदर टू हार्वेस्ट द व्हीट। ड्रम आर प्लेड वाइल पीपुल वर्क। जब पीपुल काम करते हैं ड्रम बजाए जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे पीपुल सिंग दोहाए टू द ट्यून्स ऑफ द ड्रम। ड्रम के साथ साथ पर लोग गाते भी हैं। आवत पूनी है ये। एक और न्यूज़ आई है प्रधानमंत्री संग्रहालय से रिलेटेड। इस बिल्डिंग के बारे में कुछ कुछ बेसिक बातें हम देखने वाले हैं। इस बिल्डिंग में 40 से अधिक गैलरी बनाई गई हैं और लगभग 4,000 लोगों के एक साथ विजिट करने की यहाँ पर व्यवस्था है। वर्चुअल रियलिटी, रोबोट और दूसरी आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेजी से बदल रहे भारत की तस्वीर ये संग्रहालय दुनिया को दिखाता है। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा अनुभव देता है जैसे कि हम वाकई उसी दौर में जी रहे हैं, उन्हीं प्रधानमंत्रियों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, उनसे ही संवाद कर रहे हैं। लोगों की बात करें तो लोगो जो रखा गया है इस लोगो पर आप सबकी नज़र जरूर जाएगी। प्रधानमंत्री संग्रहालय का लोगो कुछ इस तरह का है कि उसमें कोटि कोटि भारतीयों के हाथ चक्र को थामे हुए हैं। ये चक्र 24 घंटे निरंतरता को बताते हैं, हमारी प्रॉस्पर्टी के संकल्प के लिए परिश्रम का ये प्रतीक है। आगे बताया जा रहा है इस संग्रहालय में 2 ब्लॉक बनाए गए हैं। पहला ब्लॉक तत्कालीन 3 मूर्ति भवन और ब्लॉक सेकंड वाला है वो नया भवन है। दोनों ब्लॉकों का एरिया यहाँ 15,1600 वर्ग मीटर से अधिक है। संग्रहालय के भवन का डिजाइन उभरते भारत की कहानी को बताता है। डिजाइन में दीर्घकालिक और ऊर्जा संरक्षण से जुड़ी टेक्निक भी शामिल करी गई है। निर्माण करते समय ना तो किसी पेड़ को काटा गया है और ना ही प्रतिरोपित किया गया है। ये तो था प्रधानमंत्री संग्रहालय। द हिंदू की पहली खबर है IMD से रिलेटेड। तो हम IMD की हिस्ट्री सबसे पहले जानेंगे क्योंकि ये मौसम के आंकड़ों को टाइम टाइम पर प्रस्तुत करते रहता है। कब चक्रवात आने वाला है, कहाँ पर बारिश होने वाली है, ऐसे बहुत सारे मौसम संबंधी जानकारियों को ये शेयर करता है। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1864 में चक्रवात आया, कलकत्ता में बहुत अधिक हानि हुई।
1866 और 1871 में अकाल पड़ा। इसके बाद फिर ये बात सामने आई कि मौसम से रिलेटेड जो विश्लेषण है उनका डाटा कलेक्शन का काम एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक संस्थागत होना चाहिए। इसके बाद बहुत जल्दी 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी। स्थापना होने के बाद हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफर्ड को पहले मौसम विज्ञान संवाददाता के रूप में हमने नियुक्त करी। फिर वहीं 1889 में सर जॉन एलियट तत्कालीन राजधानी कलकत्ता में वेधशालाओं के पहले महानिदेशक के रूप में चुन लिए गए। पहले मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय 1905 में शिमला में स्थापित करा गया, फिर 1928 में हमने इसको पुणे में कर दिया। अब वर्तमान समय में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्वतंत्रता के बाद 27 अप्रैल 1949 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बन गया है। ये इसका इतिहास है कब इसकी स्थापना हुई। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, और हिंदी में यदि कहें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग इसको हम कहते हैं। एक और टर्म यहाँ यूज़ की गई है, एल नीनो जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी देख लेते हैं। एल नीनो प्रशांत महासागर का भूमध्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये समुद्री एक घटना है जो कि साउथ अमेरिका के पश्चिमी वाले तट पर स्थित है, इक्वाडोर और पेरू ये दो देश हैं। इनके तटीय समुद्री जल में कुछ अंतराल में ये घटना घटित होती है। ये समुद्र में होने वाली उथल पुथल होती है, इससे समुद्र के सतही जल का टेम्परेचर नॉर्मल से हाई हो जाता है। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है शिशु, मतलब छोटा बालक। वैज्ञानिक अर्थ में एल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर इक्वाडोर और पेरू देश हैं। इनके समुद्री तटीय जल में कुछ सालों पर कुछ कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं, हर साल नहीं होती, कुछ अंतर के साथ में, और इससे समुद्री सतही जल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसकी शुरुआत होती है दिसंबर में क्रिसमस के आसपास, और ये टाइम रहता है ईसा मसीह के जन्म का। शायद इसी के चलते चलते इसका नाम जो है एल नीनो रखा गया। आगे बताया जा रहा है जब इसका जो सतह का जल ज्यादा गर्म हो रहा है तो वो सतह पर ही रहेगा। इस घटना के तहत समुद्र के नीचे का पानी ऊपर आने के प्राकृतिक क्रम में रुकावट पैदा करता है। मतलब कि ऊपर का तो पानी गर्म ही है, ये ऊपर का पानी गर्म है, अब नीचे का जो ठंडा पानी है कहा जा रहा है कि अब ये ऊपर नहीं उठ पाता है, इसमें रुकावट पैदा होती है। समानता समुद्र में गहराई से ऊपर आने वाला जल अपने साथ काफी मात्रा में मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ लाता है। अब ये नीचे की जमीन है, यहाँ से खाद्य पदार्थ पानी जब ऊपर उठता है तो ऊपर इनको ऐस करके ले आता है, तो मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ मुहैया कराता है। जब मछलियों के लिए खाना नहीं मिल पाता है तो मछलियों की डेथ होना चालू हो जाती है, इसलिए ये जो मछुआरों के लिए काफी कठिन समय होता है यहाँ पर, ऐसा बताया जाता है। एक बार शुरू होने पर यह प्रक्रिया कई हफ्ता या फिर महीनों तक चलते रहती है, और कभी-कभी तो 3 बार भी। और इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हवा की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, कमजोर पड़ सकती है, और समुद्र के सतही जल के टेम्परेचर में बढ़ोतरी विशेष भूमिका निभाती है। वर्षा के जो एरिया हैं वो बदल जाते हैं, इससे विश्व के ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा और कम वाले क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होने लगती है। कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। एक त्यौहार का और यहाँ पर जिक्र किया जाता है, विशु फेस्टिवल्स। तो विशु फेस्टिवल केरला में चालू हो गया है। बताया जा रहा है, आप जानते हैं, विशु वैन यू सी हीप्स ऑफ गोल्डन येलो कनी वेल्लारिका, सुनहरी, जिसको सुनहरी येलो कलर की कुकुम्बर खीरा कहते हैं, रोड साइड में आपको बिकते हुए दिख जाएंगी। एंड इट एवरी स्ट्रीट कॉर्नर, हर गली के कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाएंगी।
टेम्पररी सेक्स सेलिंग वेजिटेबल्स नीडेड फॉर द सद्या। बताया जाता है नॉर्मली जो सेक्स रहते हैं वो वेजिटेबल की सेलिंग करते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है डिश, सद्या मतलब होता है डिश। कनीकोन्ना जिसको इंडियन लेबुर्नम भी हम कहते हैं, इसके अलावा एक प्रकार से ये गोल्डन शॉवर ट्री रहता है। इसका पिक्चर आप ये देख लीजिए, ये है इसका पिक्चर। इसकी भी बिक्री यहाँ पर की जाती है। एंड आइडल्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इसके अलावा कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ भी यहाँ पर बेची जाती हैं। आइडल्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा स्प्रिंग अप अक्रॉस द सिटी एंड द स्ट्रीट बिकम बिजी विद द शॉपर। बस दुकानें ही दुकानें और खरीदारों की भीड़ यहाँ रहती। दिस ईयर द ग्लूम ऑफ द पास्ट टू कोविड ईयर्स हैव वैनिश्ड। लेकिन कोरोना के चलते चलते जो सेलिब्रेशन था पिछले 2 साल में वो सब खत्म हो गया था। एंड द क्राउड्स आर बैक एट शॉप, लेकिन अब भीड़ भाड़ फिर से चालू हो गई है। एंड मार्केट्स बाइंग क्लोथ्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल, और लोग अब कपड़े खरीद रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल। विशु के बारे में बताया जाता है, केरल का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है दैट फॉल्स ऑन द फर्स्ट ऑफ द मेडाम मंथ। ठीक है, इज टिपिकली सेलिब्रेटेड विद द विशुकानी, ए ट्रेडिशन ऑफ अरेंजिंग एन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा एलोंग विद द एसॉर्टमेंट ऑफ फार्म प्रोड्यूस। कृष्ण भगवान की यहाँ पर पूजा की जाती है। इसके अलावा फार्मर फार्म के जो प्रोड्यूस रहते हैं, चाहे वो गेहूँ हो या फिर अन्य चीज़ें हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बींग कानी बिल्लारी। कानी बिल्लारी यहाँ पर पहले भी यूज़ किया गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कोच्चि चिट्टाटुकोरा गांव से रिलेटेड। ये अब कार्बन न्यूट्रल गांव में तब्दील होने वाला है। चिट्टाटुकोरा पंचायत नियर नॉर्थ परावुर, नॉर्थ परावुर के पास में पड़ती है ये पंचायत, हैज़ ड्रॉन अप ए प्रोजेक्ट टू टर्न द विलेज कार्बन न्यूट्रल। अब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का चालू होने वाला है जो कि इसको कार्बन न्यूट्रल बना देगा। द इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ इफोर्ट टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को हम कैस करके रोक सकते हैं। अराउंड 35 प्रोजेक्ट आर ऑन द एनविल एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के 35 प्रोजेक्ट यहाँ पर रखे गए हैं। ट्री सैपलिंग विल बी प्लांटेड ऑन हाउस प्रेमिसिस एंड बैरन लैंड, घरों के एरिया, घर के खाली जगह, जो बंजर भूमि है वहाँ पर भी सैपलिंग मतलब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ऑथोरिटी का कहना है कि हम जो है फ्रूट के सैपलिंग लगाएंगे, ठीक है, फल देने वाले पौधे लगाएंगे, इससे फूड सिक्योरिटी भी हम प्राप्त करेंगे। दीज प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर द भावी कोरू कोदामरम इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव का नाम है। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू सेट अप ए मेडिकल मेडिसिनल गार्डन एंड लिंक इट विद द मुजरिस हेरिटेज टूरिंग प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल रिलीज। इसके अलावा मेडिसिनल गार्डन भी सेटअप किए जाएंगे। इसके अंतर्गत मैंग्रोव्स हैं उन और जो वेटलैंड है उनका भी प्रोटेक्शन शामिल किया गया है। द लोकल पॉपुलेशन विल बी इनकरेज टू ग्रो लोटस फ्लावर, आप कमल के फूल को ग्रो करिए, उनकी खेती करिए पॉट्स में, एज ए रेवेन्यू अर्निंग मेजर, इससे आप रेवेन्यू कमा सकते हैं। हाउस होल्ड विल गेट सपोर्ट फॉर प्लांटिंग वेराइटीज ऑफ जैक फ्रूट सैपलिंग, इसके अलावा लोगों को जैक फ्रूट के पौधे भी दिए जाएंगे, उसके लिए उनको सपोर्ट दिया जाएगा। द मराथन लिल इथरीरी निराम प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विद ओल्ड एज क्लब्स, द अर्लियर एल्डरली विल यूज देयर एक्सपर्टाइज इन ग्रीन इनिशिएटिव।